इससे बढ़िया तो गन लेके बैठ जाओ ना भाई, डराने के लिए गन लेके बैठ जाओ। घर में है दाने तो क्यों जाए कमाने, को अगर समझ में आया तो फ्री 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 के चक्कर में आज उन्होंने काम अपना खराब कर रखा है। पापा ने ये चीज मेरे को बोला कि ये चीज शेयर कर, अगर किसी को इंक्वायरी करनी हो 8:00 भी अगर मेट्रो में जाते हैं तो आपके लिए सेफ है कि नहीं है जान। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो बढ़िया हुई। तो भाई ये ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा, इसमें मैं पापा से पूछने वाला हूँ एक चीज़, जो वाक्य एक सेंटेंस और एक चीज़ जो इंसिडेंट्स हुआ है अभी पापा जब मेट्रो से आ रहे थे या जा रहे थे उसके बारे में मैं पापा से पूछूंगा, मतलब क्या बेसिकली हुआ है। अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, वो हिंट ये है, जब आप मेट्रो में जाते हैं तो थर्मामीटर गन आपने देखा होगा इंफ्रारेड वाली होती है, तो उससे आपका चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, तो उसमें 100 अगर आपका आ गया तो मतलब क्या है, आपको बुखार है। ठीक है, नॉर्मल होता है तो नॉर्मल 99 तक 98 तक नॉर्मल रहता है। तो अभी पापा जब गए थे मेट्रो से आ रहे थे या जा रहे थे, मुझे अभी पूरा सही से पता नहीं है, मैं पापा से पूछ रहा हूँ। तो अभी जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बारे में पूछता हूँ, ये आप सबको भी जानना ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप भी अगर मेट्रो में जाते हैं तो आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है जाना, कि जो आपके आसपास लोग हैं उनको सही से चेक करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, वो चीज़ के बारे में भी पापा से भी मैं पूछूं। पापा मतलब क्या हुआ, आप जब कहाँ पर थे, कौन से स्टेशन में थे? मैं अपने फैक्ट्री बसेदारापुर से आ रहा था और मेट्रो स्टेशन रमेश नगर में। जैसे मैं ऊपर आया हूँ, अपने ऊपर आने के बाद मैंने उसको भाई एक तो वो लगा रखा, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे लगा रखा है, मैंने स्प्रे है? अपने स्प्रे कराया, फिर मैंने अपने थर्मामीटर वो चेक कराया गन से। तो मैंने गन से मैंने पूछा भाई कितना तुम क्या टेम्परेचर है, करा 93। मैं कहा 93, मैं दोबारा चेक कर, तो कह रहा 93, मैं कहा 73 है ये, खेल मैं उनका बता रहा हूँ, मैं पूछ अपना रहा हूँ तो उसका क्यों बता रहा है, सामने वाले क्यों बता रहा है जो चला गया है, तो 73 इसका मतलब गलत बता रहा है ना, 93 और 73। सबसे पहली बात 73 तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब तुम खाली लेके बैठे हो, बेवकूफ बनाने वाली बात है ना भाई, क्यों बैठे हो इसको लेके। 8:50 है लेकिन 9:20 का टाइम टेबल, मेट्रो स्टेशन रमेश नगर। तो वहाँ से आप जा अंदर आ रहे थे? अंदर आ रहा हूँ मैं, मतलब वो करा अपना स्प्रे करा, सैनिटाइज करा, उसके बाद टेम्परेचर कर, मैंने कहा क्या टेम्परेचर करा, 93-92 बोल रहा है, मैंने कहा 92, मैं कहा इसमें देख क्या आ रहा है, 73 आ रहा है, 73 आ रहा था उसमें, हाँ तो कह रहा है 92, मैं कहा 93 कर, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं अपना पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा बताना भाई, उसे क्यों बता रहा है मेरे को, और 73 है क्या मतलब है यार, बस 73 तो मतलब गलत बता रहा है टेम्परेचर। इससे बढ़िया तो गन लेके बैठ जाओ ना भाई, डराने के लिए गन लेके बैठ जाओ, तो मतलब डराने के लिए यार, तुम क्या लेके बैठे हो ये, तुम मतलब ये चीज मतलब फॉर्मेलिटी बैठे लेके, मतलब फॉर्मेलिटी मतलब ये फॉर्मेलिटी बताइए, गन लेके बैठे हुए कोई चेक कर रहे नहीं कर रहे, मतलब एक नाम हो गया कैमरे में चेक कर रहे हैं, अरे चेक कर रहे हैं, तुमने आज तक किसी को एक बताया तेरा 100 बुखार है, 99+ किसी का आत्म तुमने कराया, मैंने किसी को नहीं बोला, जाता हूँ उत्तम नगर शहर से मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, तभी मैं कहता हूँ क्या है, क्या कर रहे हो, क्या है जब चेक करते हैं, हाँ चेक करो, मतलब कितना आ रहा है, ठीक है, और ठीक है क्या मतलब होता है, कितना है वो नहीं बताते, नहीं मतलब खाली बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, तनखा मिल रही है और सही से चेक भी नहीं कर रहे हैं, हाँ मतलब उनको ये बैठा हुआ कि हमें तनखा मिल रही है, हमने करना है, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ये पापा का बोलने का मतलब ये चीज है, गलत लगा मुझे, गलत पापा को लगा और पापा ने ये चीज मेरे को बोला कि ये चीज शेयर कर, सॉरी अगर किसी को इंक्वायरी करनी हो 8:50 है लेकिन 9:20 मेट्रो स्टेशन ईस्ट में मेरी बहस हुई है, उत्तम नगर ईस्ट में उसके रमेश नगर में, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन में रमेश नगर, रमेश नगर पर गेट नंबर कुछ पता आपको होगा, 1 गेट में रमेश नगर गेट नंबर 1 के अंदर एंट्री करो, ऊपर जाकर जब वहाँ पे मेरी बहस हुई, अगर किसी को अगर डाउट या कुछ है, मेरी बहस भी हुई है, बल्कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सीआरपी का कोई भी हो वो चेक करते हैं, वो भी कह रहे क्या हुआ, मैं कहा यार मैं पूछ क्या रहा हूँ, टेम्परेचर किसी और का बता रहा है, किस लिए बैठा हुआ है, तनख्वाह लेने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बोल दिया आपने, मैंने ये भी बोल दिया, उनको लगा पता नहीं ये कौन है, आजकल का टाइम है बहुत गलत, मतलब होता ये पावरफुल वाला आदमी है ये, तभी बोल रहा है, उनको लगा पता नहीं आजकल टाइम इलेक्शन का टाइम है कहीं पे, तो उनको लगा पता नहीं क्या कौन है, अरे गलत तो गलत है ना भाई, मैं गलत है अपना पूछ रहा हूँ, तू दूसरे क्यों बता रहा है, दूसरे का बताना क्या बनता है, जब नहीं मैं कहा दोबारा चेक कर, दोबारा भी चेक कर 73, अरे मैं कहा तू मेरी बताना, और 73 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, गलत है ना, मशीन गलत है, डिजिटल मशीन, मतलब वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए और ये दिखाना कि हम लेके बैठे, इससे बड़े गन लेके बैठ डराने का कोई अंदर ही नहीं आएगा भाई, ये का मोटिव ही यही है कि यार
अगर वहां पर किसी को खड़ा करा है, किसी को रखा है कि यार तुमको चेक करना है कि कौन आ रहा है, किसी को बुखार हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी को उन्होंने बताया क्या? किसी को भी मतलब ऐसे बताया नहीं होगा, किसी को पकड़ के दिखाया उन्होंने, पूरा कैमरा चेक करके दिखा दो कि तेरे पे 100 बुखार है, किसी को भी चेक करके उन्होंने दिखाया। और ये जो पापा बोल रहे हैं, मेरे को भी इसलिए लगा कि यार ये मुद्दा बताऊं किस चीज के ऊपर है। जैसे मैं चांदनी चौक जाता हूँ कितनी बारी, तो चांदनी चौक से जब मैं वापस आता हूँ ना, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि यार इतनी भीड़ हो रखी है, कोई किसी को सैनिटाइज भी नहीं कर रहा, जो बाहर गार्ड खड़े रहते हैं वो सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर सैनिटाइज हल्का फुल्का कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। फिर साइड में मशीन भी है, वो मशीन से चेक भी नहीं कर रहे। मैं बोला हाथ मेरा इधर है, वो कर इधर रहा है, मैं इधर क्या है, इधर इधर इसमें करना, इसमें करके तब भी नहीं बता रहे कितने टेम्परेचर, बस गन लगा दी, बस हो गया। अब ये चीज सबको जाने की जल्दी होती है, सबको जाने की जल्दी तो होती है। अब पापा ने ये चीज जाके मतलब देख लिया, पूछ लिया कि आप बताओ कितना आ रहा है टेम्परेचर मेरा, और टेम्परेचर 73 तो किसी को हो ही नहीं सकता। मतलब जो मशीन वो यूज कर रहे हैं वो तो गलत है ना, खराब है। मुझे इसलिए खराब है, मेरे को गलत इसलिए लगा कि मेरा खैर टेम्परेचर 92, अरे मेरा 92 नहीं है, मेरा दोबारा चेक कर 73 कर, मैंने उसको बताया। मैं पूछ अपना रहा हूँ, पड़ोसी को बताएगा क्या? मतलब दूसरे का क्यों बता रहा है यार? जब जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसी को बताना चाहिए ना, क्योंकि यार वो पूछ रहा है, साइड वाला थोड़ी ना पूछ रहा है, वो आके देखेगा। अच्छा अच्छा, अरे देख लिया। किसी को ये डाउट लग रहा हो कि पापा ऐसी बोल रहा है, 8:50 9 के बीच में मेट्रो स्टेशन रमेश नगर में, अगर किसी को मेरे कहां बहस थोड़ी सी हुई है, वो भी ज्यादा नहीं, तो 2-3 के मेरी बहस हुई है। देखो इसी बात को लेके हुई, इसी बात को लेके हुई है। मतलब क्या तुम क्यों लेके बैठे हो, क्यों सही से चेक नहीं कर रहे हो? अब अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको बताओ, लो उसको है बताओ। तो लो भी क्यों है? मतलब मशीन लेके बैठे हुए खाली काम रहे हैं, वो कन्फॉर्मिटी काम कर रहे हैं। मतलब अब एक चीज बताओ, अब आपको लग रहा हो कि यार हम इस टॉपिक पे क्यों बोल रहे हैं ज्यादा? अब देखो, बोलने का मोटिव ही यही है कि यार अगर कोई भी आ रहा है, 100 जने आ रहे हैं, 100 में से एक का तो टेम्परेचर 100 तक होगा, या चलो 5-6 जनों का तो होगा, तो एक का तो बताओ। अब जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है किसको कितना बुखार है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। अब जो वहाँ बाहर गार्ड लगाए हुए हैं वो चेक करेंगे, उन्हीं से तो पता चलेगा ना, वो इन्फॉर्म करेंगे कि यार इसे बुखार है, इसको अंदर नहीं आने देना। खराब मशीन लेके बैठे हुए ऐसे बैठे हो, टेम्परेचर थर्मामीटर गन होते, गन लेके बैठ जाओ ना, गोली से मार दूंगा तुम बुखार वाले, अंदर मत आना। अब जैसे आप में से किसी को भी लग रहा हो कि यार हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, अब ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये चीज कह रहे हैं कि अगर मशीन रखी है तो कम से कम बताने वाले तो बनो, और मशीन भी तो ठीक रखो। नहीं तो देखो, आज पापा ने जैसे पूछा है तो वैसी आप भी जाके पूछो, जब भी वहां पर बाहर टेम्परेचर अपना पूछो, अपना टेम्परेचर जरूर पूछो। क्या टेम्परेचर? मैं भी नहीं पूछता भाई, मैं भी इसलिए भाई आज मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं कभी पूछता, मैं बस करवा दिया, चलो चलो भाई चलने की, जल्दी जाने की लगी रहती है। कोई भी ट्रैवल कर रहा था उसको तो थोड़ा सा इतना रहना चाहिए कि यार हाँ यार मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, आसपास जो लोग हैं वो ठीक है कि नहीं है, किसी को बुखार है कि नहीं है। सिरदर्दी सबका अपना अपना हिसाब किताब लगा रखा है भाई, काम करो, मतलब फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाओ, हमें अपने पैसे से मतलब है। अब ये चीज ये भी है बात कि यार देखो, जो बाहर गार्ड हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज को लेके होना चाहिए कि यार उनको बस बैठने बैठने के, चलो पैसे क्या, तुम चेक भी तो करो, बताओ भी तो, बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा? उनको अपने टाइम बताना है। टाइम अब यार मैं डीटीसी में आया पिछले हफ्ते, डीटीसी बस में आया हूँ, तो वो भी आ रहा है, वो जो बैठा वो कौन मार्शल बैठा हुआ है, वो अपने ड्राइवर के पीछे की सीट में बैठा हुआ है। अरे तेरा क्या फर्ज बनता, तो उसके पीछे बैठेंगे अपने ड्यूटी नहीं, वो 8 बिता रहा है अपना, 8-12 बिता रहा है ड्यूटी, तो किसी बात में बहस हुई है तो क्या है तेरे को कुछ अपने, उसको क्यों मिला हुआ है, ड्राइवर से मिला हुआ है, डीटीसी वो कंडक्टर से मिला हुआ है, तीनों मिल गए यार। यार इनको क्या बताऊं, सबको मालूम है, कोई भी पब्लिक उनको मालूम है, डीटीसी का ड्राइवर है, डीडीसी का कंडक्टर है, और मार्शल उनमें तैनात कर दे, केजरीवाल ने कर दिया है। अरे उन्होंने कर दिया, वो आपस में मिले, वो आपस में एक दूसरे बिगाड़ेंगे क्या? बिगाड़ेंगे, उनकी गाड़ी चलेगी नहीं, किसी की भी चलेगी नहीं, नौकरी चले जाएगी किसी को भी, तो निकल, वो भी निकल जाएगा। मिले हुए वो मतलब इन्हें भूल जाए, चालक केजरीवाल, मैं कर केजरीवाल की जो है ना बहुत ज्यादा पॉलिसी है, चलो कोई बात नहीं, आज की डेट में मेरे को भी महेंद्र केजरीवाल बोलते हैं, अपने वहां पे बसे दारापुर में मैंने अपनी गली में केजरीवाल की इतने पब्लिसिटी करी थी, स्टार्टिंग अकेला मैं ही था उस टाइम, स्टार्टिंग में मतलब जब केजरीवाल की सरकार आई थी की बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सपोर्ट करा, बड़े लंगर खाना पीना भी, समोसे चाय पार्टी मैंने पार्टी दी थी, मेरे को गली वाले बोलते थे यार कि तुम महेंद्र ने अकेला ही इसको सपोर्ट कराया केजरीवाल को और ये जीत गया। गिरीश सोनी वहां का विधायक था माधीपुर का, जो भी गिरीश सोनी माधीपुर का विधायक है, तो उसको भी मैंने अपनी फैक्ट्री में 2-3 बुलाया, बैठा था हमारा, खाना पीना हुआ, जो भी नाश्ता पानी हम करा रहे हैं, तो तेरे सपोर्ट में कर रहे हैं ना भाई,
तो बॉस ने भी मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उस दिन से मैं यहाँ से साइड हो गया। मेरे को पता है मेरा घर मतलब अपना काम धंधा भी खत्म हो जाए, इससे बढ़िया तो इनसे साइड हो जाओ। अपनी नींव, जो ये नींव बोलते हैं ना केजरीवाल की, जो नींव अपने अगर कहे तो झूठ की बात है कि मतलब नींव, नींव का मतलब होता है कि एक शुरुआत करने वाला मैं ही था वहाँ, एक सपोर्ट करने वाला मैं ही था वहाँ अपने उस एरिया में, उस गली में, एरिया गली में, गली में ले लो। और जबकि बीजेपी कांग्रेस के एक से एक धुरंधर थे वहाँ पे। मैंने बहुत सपोर्ट करा, चाय पानी का नाश्ता भी करा, उन्होंने सबका कराया, दो बारी तीन बारी कराया, उन्होंने अच्छा करा जब ठीक है। लेकिन मेरे को लगा यार बेकार, अब क्या किस चीजों में हमने इनके चक्कर में टाइम पास। मैं इसलिए 2018 के बाद से साइड हो गया उनसे। मैंने इनको कोई वो ही नहीं करना है, मेरा कोई मतलब अपना काम धंधे भी जाऊंगा इनके, मैं वहाँ का चित्रा भी छाऊंगा इनके आगे। मतलब आओ उस बेस में भी कह रहे कि जब स्टार्टिंग में केजरीवाल की सरकार आई थी तो पापा सपोर्ट कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि हम भी कर रहे थे, सब चीज सभी कर रहे थे। ये कुछ करेगा, कोई भी नेता आ रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, सब एक, जब कुछ बन जाता है उसके बाद सब एक जैसे हैं। पब्लिक को अगर समझ में आया तो फ्री 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 के चक्कर में आज उन्होंने काम अपना खराब कर रखा है। फ्री का राशन, फ्री का बिजली, फ्री का पानी। अरे क्या ये बिजली फ्री फ्री के चक्कर निकम्मा कर दे। चोरी चकारी हो रही है आज की डेट में, चोरी चकारी हो रही है, ऐसी चोरी चकारी हो रही है, पूछो मत। उनको फ्री का घर में राशन मिल रहा है, फ्री का पानी मिल रहा है, बिजली का पानी। अरे फ्री का कहाँ से मिल रहा है? अपनी जेब से कोई नेता दे रहा है क्या आज की डेट में? कोई नहीं दे रहा आज की डेट में नेता अपनी जेब से। कोई देखकर दिखाते मैं अपनी तनख्वाह पूरी इस गली में लगा रहा हूँ, इस कॉलोनी में लगा रहा हूँ, कि कोई नेता ने आज तक कराया क्या? चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं मालूम। जब जब सत्ता में आ जाते, सत्ता के बाद सारे भूखे अपने सत्ता के भूखे हो जाते हैं। सीधी सीधा सौ बात की बात है, सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। फ्री फ्री, जिसने फ्री का आजकल काम करा है, आजकल किसको नहीं पता किसके घर में खाने की कमी है, कोई नहीं कमा रहा है, किसके पास गाड़ी नहीं है, किसी पेट्रोल नहीं, किसी मकान नहीं है, जो भी सब कुछ हिसाब किताब है, सब अपना फ्री के चक्कर में उनको मिल रहा है, तो कोई काम नहीं कर रहा है। फ्री का पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है फ्री के चक्कर में। कुछ नहीं, गेहूँ आज तुमने फ्री दे रहे हो, 10 रुपये किलो दे दो, हम अपने घर के भर देंगे रोज के, क्या दिक्कत है? 10 रुपये किलो भी अगर तुमने गेहूं का अनाज रख दिया ना अपने घर में, 10 रुपये किलो भी अनाज का गेहूं का दाम तुमने घर में रख लिया, जो फ्री में राशन के नाम लाइन लगा रहे हैं, हाथ में मोबाइल है और फ्री के राशन के लाइन में लग रहे हैं, दो दो तीन दिन चार चार घंटे फ्री के लाइन में लगे हुए हैं, 4-5 घंटे लाइन में लगे पहले दिन के चक्कर में, जबकि फ्री मिल रहा है। अगर तुम 5 घंटे अगर काम करके आओ, तुम 200 रुपये कमा के आ जाओगे, 200 रुपये कमा के आ जाओगे, लेकिन नहीं, फ्री के, फ्री का आ रहा है, अपने घर का राशन भर रहे फ्री, और फ्री के चक्कर में तुम्हारे बच्चे खराब हो रहे हैं आज की डेट में। देखो ना, 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लग रहे हैं यार, बना रखा है फ्री का। तुम गेहूं का दाम भी रख दो 5 रुपये, 10 रुपये किलो रख दो अपने घर में, हमें पता है ना भाई, 5 रुपये, 10 रुपये छोड़ो, तुम 5 और 10 रुपये किलो भी रख, गेहूं का राशन रख दो, 20 किलो कितना, 200 रुपये का हो गया, 200 रुपये का पूरा महीना चलता है, पूरा महीना चलता है, 200 रुपये, 200 रुपये गेहूं अगर तुम 20 किलो भी रख दोगे चावल, गेहूं का रेट घर में 20 रुपये किलो के हिसाब, 10 रुपये किलो के हिसाब, 20 किलो चावल रखो, आराम से 200 रुपये पूरा महीना खाओगे, 6-7 बंदे खाएंगे आराम से। फ्री फ्री के चक्कर में सारा निकम, चोरी हो रही, चकारी हो रही, पता नहीं कितनी करे। उनको पता घर में राशन, घर में है दाने तो क्यों जाए कमाने, कमाने वाला हिसाब हो रहा है। घर में चावल भी पड़ा हुआ है, गेहूं भी पड़ा हुआ है, अब तो चने भी दे रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो क्यों जाए कमाने? तो चोरी तो करेंगे, उनको अयाशी के लिए चोरी ही करेंगे, चोरी करेंगे, और कमाने वाले हैं, धंधे वंदे हैं, उनको चोरी चकार कर उनको लूटेंगे लोग, जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को तो लूटेंगे, उन्हीं को तो मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि घर में तो है भाई दाने, वो क्यों जाए कमाने कि घर में फ्री का आ ही रहा है। तो ये बहुत बुरा हाल है, मैं अब क्या बोलूं, मैं तो इतना दुखी हूं, मैं तो कई बार सोचता हूं क्या मैंने कौन से जमाने में जन्म ले लिया। पानी में चलो जैसे भी, चल ठीक है जैसे भी है, गाड़ी चल रही है, सबकी चल रही है, सबकी चलनी चाहिए, ये नहीं है किसी के अटक जाए या ऐसा कुछ, गाड़ी चलनी चाहिए, नेताओं की चल रही है, नेताओं के किसके पब्लिक के बैठे हैं, वो एक वो थे ना कहावत की चल रही है आज की डेट में, पहले भी चल रही थी कि इंडिया आज़ादी तो ले ली, इंडिया ने आज़ादी तो इंडिया ने ले ली, लेकिन राजनीति जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, राजनीति चलती रहेगी, चलती रहेगी, राजनीति कभी खत्म नहीं होगी, आजादी तो हम अंग्रेजों से भी हो गए, अब ये इंडिया में आ गए, इंडिया में मतलब जो मतलब इंडिया आजाद हो गया, तो ये नेताओं से आजादी मिली क्या? ये भी हमें लूट रहे हैं, लूट ही रहे हैं पहले यार, इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का राज था ना भाई, डर तो था, कम से कम डर तो था, डरते थे ब्रिटिशर से, ये पता है कि हम तुम्हारे तुम गलत करो तो मैं ऐसे जैसे कर देंगे, जो भी एक डर था। अरे पहले वो लूट रहे थे, अब तुम लूट रहे हो,
आजादी अभी हमें भी नहीं मिली, इंडिया में आज तक आजादी है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं, इंडिया में आजादी है ही नहीं। लूटने का धंधा चल रहा है, अब भी लूट रहा है, जिसका मौका मिला लूट रहा है, चाहे बदमाश लूट रहा हो, चाहे नेता लूट रहा हो, चाहे अफसर लूट रहा हो, सब लूट रहे हैं। लूटने का धंधा अभी चल रहा है। राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती, राजनीति कभी भी जिंदगी में बंद नहीं हो सकती। आजादी तुम जितने मर्जी ले लो, किसी को अगर भविष्य का किसी का अपना डर ही नहीं है कि मेरे साथ मैं गलत करूंगा मेरे साथ भी गलत होगा। जिस दिन ये चीज सो रहे उस दिन ये पुलिस कचहरी सब चीज बंद हो जाएगी, गलत करेगा ही नहीं, कोई गलत करेगा ही नहीं, इन सब चीजों में पड़ेगा ही नहीं, कोई पड़ेगा नहीं। उनको पता है ना, नेताओं का काम है, वो तुम्हें भड़काएंगे, वो तुम्हें राजनीति, राजनीति का मतलब राज करो, राजनीति करो, मतलब बिल्कुल आजादी है ही नहीं आज के दिन। इससे बढ़िया अंग्रेजों का टाइम बढ़िया था, खाने को तो बढ़िया मिल रहा था, एक दूसरे की इज्जत तो कर रहे थे, इज्जत कर रहा आज के डेट में। वो कहते मैं कम नहीं हूँ, कहते मैं कम नहीं हूँ, रोड पे जाओ तो हमें मारने पीटने का, जरा से तुमने फालतू बोला, तुम्हें तू कौन होता है, सारा कब्जा है रोडों पे, और बोलो ये भाई अपने साइड कर, कहता तू कौन होता, अपने साइड निकल। इसका एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को आप मास्क लगाते देख रहे हैं, तो चलो ठीक है मास्क लगा रखा है। अब जिसने मास्क नहीं लगाया, अभी के टाइम पे हम उसको बोलेंगे भाई मास्क लगा ले, तो वो हम पे चढ़ जाएगा कि तू क्यों बोल रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है, समझ रहे हो, वो चीज हम पे हावी हो जाएगा, हमको ही बोलने लग जाएगा कि तू कौन होता बोलने वाला। रोड पे भी जाते हैं जैसे रेडियो वाले, हम जा रहे हैं स्कूटी से जा रहे हैं, किसी कार से जा रहे हैं, रेडियो वाले से अपनी साइड कर ले, रिक्शा वाले खत्म तो निकलना भाई, तुझे क्या मतलब है, तेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, अरे तूने रोड पे ही कब्जा कर रहा, दुकान के बैठे हुए आगे, उनके आगे रेडियो वाले बैठे, रेडियो आगे रिक्शा वाले बैठे, इंसान जाए कहाँ से। तो वो जो है ना आपके डर, कुछ बोलो, कहता तू कौन होता है, क्या तू अपना रास्ता कर चला आगे बढ़, दो मिनट में बोल देते हैं, क्या हाल है, बुरा। एक एग्जांपल ट्रैफिक का भी होता है, जैसे ट्रैफिक हो रखा है, समस्या है, समस्या है, आज की डेट में समस्या ही समस्या है। किसी टाइम केजरीवाल ने कहा था, उड़नचर जिनकी सरकार थी, केजरीवाल से सारे डर गए थे, केजरीवाल आएगा पता नहीं क्या कर देगा, ये होगा, अगर किसी ने बस को नुकसान दिया तो उसका वो कर देगा, वो उसका उसे वसूली कर लेगा, कुछ नहीं करा उड़नचर जी के कर्म, वो दोबारा उसकी सरकार आएगी, उसके बाद फिर मतलब 49 दिन के बाद भी उसकी सरकार आई, फिर दोबारा फिर आई, 67 भी आ गई उसके, 67 और 63 भी होगी, कम हो रही ना, 63 और भी कम होगी, मुझे मालूम है, पहले 67 भी आई, 63 होगी, 63 भी और कम होगी। अरे उसने ये बोला था कि हम पता नहीं कितने वो करेंगे, मतलब थोड़ा डर था, खौफ, जो भी गलत काम करेगा हम उसका जो है ऐसे करेंगे, और उसके ऐसे कर दें। आज हम रोड पे जा रहे हैं, कोई भी सीवर लाइन कोई मेल नहीं है, सड़क से मेल नहीं है और सीवर से कोई मेल नहीं है, सीवर नीचे है तो सड़क ऊंची है, किसी की सड़क नीचे है तो सीवर ऊंची है, 3-3, 6-6 महीने में सीवर खराब हो जा रहा है, पानी बढ़ जा रहा है। अब अगर आप मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको भी पता होगा कि हमारी सीवर लाइन पीछे गली की, उसमें दिक्कत हो रही है, यही प्राइवेट बुलाना पड़ रहा है, प्राइवेट पैसे दिए, आज प्राइवेट वाले बुला रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बात है, इनको कोई सुनवाई नहीं, कोई करके राजी नहीं है, जब से कंप्लेन करी हुई है हमने, कंप्लेन करने के बाद भी कंप्लेन है हमारी, कहां कॉल, उसको करो कोई उठा नहीं रहा, कर नहीं रहा है, उठा के राजी नहीं है, प्राइवेट से बुलाया, आज हमारे क्लीन कर दिए, प्राइवेट से बुला के पैसे दिए, पैसे दिए तब क्लीन हुआ है, नहीं तो इससे पहले जो कंप्लेन जिनको करी थी वो आ रहे थे, बस वो साफ कर रहे थे, साफ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो आगे लाइन होता है ना कि कहीं पर ओवरफ्लो हो गया, तो फ्लो को उसको बस एक जगह फ्लो में कर रहे थे, कम फ्लो कर रहे हैं, बस पानी का थोड़ा सा निकाल दे रहा है, निकल जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे कि बिल्कुल जो उसमें डस्ट है उसको निकाल दो, वो चीज बिल्कुल नहीं हो रहा था, डस्ट निकाल भी नाम के ऊपर ही फिर दोबारा से दो या तीन दिन बाद फिर दोबारा से ऊपर ओवरफ्लो हो जा रहा है, वही दिक्कत कब से हो रही थी, 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम हो रही थी यही, तो वही चीज़ आज हमने सॉल्व कराई, प्राइवेट में प्राइवेट बंदों को बुलाया, फिर उसके बाद उनको पैसे दिए हैं, हर एक घर से 100-200 रुपए गए हैं, तब उनको उन्होंने साफ कराए, फिर उसके बाद तो अभी आपको भी पता, देखो हम स्टार्टिंग हमने करी थी जो थर्मामीटर गन होती है इंफ्रारेड की, उससे करी थी हमने, और बात कहाँ से कहाँ आ गई, वो भी किस लिए आई, क्योंकि यार देखो अगर वहीं पर ही समस्या है ना, रोज की प्रॉब्लम है, और अगर वो चीज समस्या है तो देखो समस्या ही समस्या है, तो वो ही चीज का हल निकले तो बहुत अच्छा है। तो आप सब भी ठीक है, अवेयर हुए, जागरूक हुए इस चीज को लेके, कि अगर आप जा रहे हो मेट्रो में तो देखो अपना थर्मामीटर गन में, जब वो चेक कर रहे तो उन्हें बोलो भाई अपना बताओ तो सही कितना टेम्परेचर हो रहा है, तुम बस ठीक है उन्हें से क्या होगा, पता तो चले यार, पता चले बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, तो यार बंदे को पता चलेगा कि हाँ बुखार है तो वो बंदा जाके अपने चेकअप तो करवाएगा यार, थर्मामीटर खराब है, खाली लेके बैठे हुए हैं, वो लेके बैठ रहे हैं, 73 कहाँ होता है मुझे बताओ यार, 70 का होता भाई, इंसान को हो ही नहीं सकता इतना यार,
92 93 92 भी नहीं होता किसी का, इतना नहीं जाता। 73 कह रहा है, मैं कहा 73 कह रहा है, 92 किसी और का, ये देखने क्या 73 कह रहा है, 73 मैं कह रहा हूं उसका बता रहा हूं, मैं कहा मेरा बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मेरा बता, अब पापा का नहीं बताया किसी और का बता रहा है। तो देखो ये चीज को लेके आप सब भी अवेयर हुए, मालूम है कि इतना तो टेम्परेचर 93 95 98 बताना पड़ेगा कर रही थी ठीक है करके, और 73 का क्या मतलब है, 73 मतलब डिजिटल जो वो थर्मामीटर है वो खराब है, नहीं बता, हम डॉक्टर नहीं है कुछ भी नहीं, हमें मतलब 73 क्या फायदा, जो वो बता रहा खराब इसका, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है वो खराब कर रहा है, तो दिखा रहे सब ने गन लगा, डरा दो मुझे, बुखार वाले पहले नहीं आएगा, अगर मुझे बुखार है मुझे डर लग रहा है मुझे ठंड लग रही है। तो देखो इस चीज को लेके भी अवेयर हो, जागरूक हो और समझो इस चीज को लेके कि कहां से कहां बात गई और हमने कहां से कहां लेके आए, तो इसी को लेके आप सभी अपना जब भी वहां पर चेक करवा रहे हो तो अच्छे से देखें, उनसे पूछे भी कि भाई कितना हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हमारी बात आपको गलत लग रही होगी तो कमेंट करके बताओ, फुल कमेंट करो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि अगर हम गलत बोल रहे तो आप सबकी क्या राय है, क्या कमेंट कर रहे हो, हम भी पढ़ेंगे, इसीलिए कमेंट करो और हमें बताओ। रिक्शे में जा रहा है सारा खाए भी हजम हो जा रहा है, दुनिया भर के सड़क टूटी पड़ी है, गलियां टूटी पड़ी हैं, वो बीजेपी को दोष देंगे, बीजेपी वाला झाड़ू को देंगे, कांग्रेस का तो नाम ही हटा देना होंगे, पत्ता ही साफ है। मजा आया बिना मतलब, उनका राज कम से ठीक तो था, कम से कम टाइम पे उनका नाम तो था, कम से कम भाई काम गलत करोगे, जहां मर्जी सड़क खो दो, जहां मर्जी नाली खो दो, जहां मर्जी कचरा डाल दो, अरे पहले ये तो नहीं था, डर तो था। ये चीज भी आप सब समझो जो बताना चाह रहे हैं, अब मुझे पता काफी बंदे यही कह रहे होंगे कि यार हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है सपोर्ट करते हैं, हर कोई करता है, करता स्कूल था, अब नहीं करूंगा जिंदगी में। हाँ पर ये कि देखो ये बात मैं भी जानता हूँ कि यार स्कूल वगैरह खुलवाए हैं, हॉस्पिटल भी खुलवाए हैं, सब चीज कर रखा है, पर ये पापा अलग वो किसी और वे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या चीज करनी थी और क्या चीज नहीं हुई है, सब चीज को लेके कि फ्री के चक्कर में बिल्कुल ही फ्री कर दिया कि यार इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो, तो ये चीज भी आप समझो। तो अगर हमारी बात आपको समझ आ रही होगी तो कमेंट करके बताना, अगर गलत भी लगी तब भी कमेंट करो, सही लग रही है तो कमेंट करो, क्या बात सही लगी वो भी कमेंट करो, क्या बुरी लगी वो भी कमेंट करो, जिससे हमको भी पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ हम सही हैं, और अपने मुद्दे को लेके जो हमने मुद्दा उठाया तो इस चीज़ को लेके आप सब अवेयर रहो, ठीक है। तो अभी का व्लॉग मैं इतने रखता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट करके ये भी बताना कि हम और ऐसे इस टॉपिक में बात लेके आए कि नहीं आए, या कोई भी एक सोशल मुद्दा हो कोई उसको लेके आए कि नहीं आए आपके सामने, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में।